अपनी मांगों को लेकर पिछले 10 दिनों से धरना दे रही पुलवामा हमले के शहीदों की वीरांगनाओं का धरना पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के आवास के बाहर अभी भी जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ वीरांगना धरने पर बैठी हुई हैं, तो वहीं अब इस मामले में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। राज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ग्रामीणों की मांगों पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर वीरांगनाओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं आज जोर के मुख्यमंत्री जी से यह विनती कर रही हूँ कि आप हमारे से मिलना नहीं चाहते हो है? तो आप आ जाओ हमारे पास, आप आ जाओ मेरे पास। वो बारे बारे में बोल रहा है कि आपकी नौकरी देवर को नहीं दे सकते। अरे उनके बेटे की नौकरी नहीं है, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, नहीं। आज 10 दिन से यही विनती कर रहे हैं कि आपके बेटे की नौकरी नहीं छीरे हम। हमारे घर पे गए थे, घोषणा करके आए थे, क्यों गए थे हमारे घर पे, क्यों बोल के आए थे वहाँ? फिर वहाँ से भी यहाँ आके भी बोल दिए मंत्री कि आपका सारा काम हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है? और मुख्यमंत्री जी, असल माँ का बेटा है तो हमारे सामने और बोल दे, आपके सामने मरना चाहते हम। देखिए मजेदार बात यह है कि यहाँ बीजेपी नहीं आ रही है। अब कब तक जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन? कब तक जारी रहेगा धरना? जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगी ना, जब तक हमको लिखित में चाहिए। मेरे को तो बिल्कुल लिखित में चाहिए। और हमारे साथ जो पुलिस कर्मचारी हमारे साथ हादसा कर रहा है ना, तो उनको तो सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए हमारे को। क्योंकि लगातार आप धरना दे रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन है, सचिन पायलट के निवास के बाहर बैठे, क्या सचिन पायलट से कुछ आज सचिन पायलट आज पूरी कर पाएंगे? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा, अभी कुछ भी ना कर रहा। नहीं तो नौकरी नाम बोल का आया और कॉलेज नाम बोल का आया, अभी तो अभी कुछ कार्रवाई हो नहीं पाई। तो आपको क्या लगता है कि हो पाएगा, पूरा हो पाएगा? अभी नहीं पता, जब लिखित में दे देंगे जब पा पाएगा हमको तो हो नहीं।